इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स एडिशन के बारे में। डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं ये हमने आज सीखना है। एग्जांपल ले लेते हैं। डेसिमल नंबर है 63.03। इसको हमने जमा करना है प्लस 59.29। इन दो डेसिमल नंबर्स को हमने जमा करना है, तो हम प्लेस वैल्यू की मदद से इनको जमा करेंगे। तो सबसे पहले जो एडिशन के साइन से पहले वाला डेसिमल नंबर है इसको लिख लेते हैं 63.03। सॉरी, इससे पहले हम इनके प्लेसेस लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके प्लेसेस लिखें। यहाँ पे 3 है वंस प्लेस पे, ओ यानी वंस, और 6 है टेंस प्लेस पे, टी यानी टेंस। पॉइंट के बाद जो 0 है, पहला डिजिट है, वो कौन से प्लेस पे होता है? इस प्लेस को कहते हैं टेंस प्लेस, और ये है हंड्रेड्स प्लेस। टेंस प्लेस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 10, जो कि ये है, और टेंथ प्लेस का मतलब होता है डिवाइड बाई 10। तो 0 है टेंथ प्लेस पे और 3 है हंड्रेड प्लेस पे। इसी तरह इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे 9 कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे, तो उसके लिए ओ लिखेंगे, और 5 है टेंथ प्लेस पे, तो इसके लिए हम टी लिखते हैं। और इसी तरह से 2 है टेंथ प्लेस पे और 9 है हंड्रेड प्लेस पे। इनके प्लेसेस लिखने के बाद अब हम इन नंबर्स को लिखेंगे। पहले एडिशन से पहले वाला नंबर लिखते हैं, जो कि है 63.03। अब इसके नीचे हमने 59.29 को लिखना है, तो इसके लिए पहले इसके प्लेसेस लिखें। ये 3 है वंस प्लेस पे, ओ, और 6 है टेंस प्लेस पे, टी यानी टेंस। तो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, ये कौन सी प्लेस पे है? टेंथ प्लेस पे है। तो टेंथ के लिए हम स्मॉल टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आगे कैपिटल टी का मतलब होगा टेंथ, और स्मॉल टी का मतलब होगा टेंथ। और इसी तरह हंड्रेड्स के लिए हम स्मॉल एच का इस्तेमाल करेंगे, यानी पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू आएंगे उनके लिए स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे, और पॉइंट से पहले जो प्लेस वैल्यू होंगे उनके लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यह है 63.03, इसमें ऐड करना है 59.29। तो यहाँ पे हंड्रेड प्लेस के नीचे हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट, जो कि है 9, और टेंथ प्लेस वाले के नीचे टेंथ प्लेस वाला। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सेम प्लेसेस के नीचे सेम प्लेसेस को रखना है, और पॉइंट्स को भी ऊपर नीचे बिल्कुल अलाइन करके एक ही लाइन में रखना है। इसके बाद है वंस प्लेस वाला डिजिट, जो कि है 9, और फिर है टेंस प्लेस वाला डिजिट, जो कि है 5। अब हमने इनको जमा करना है, तो एक लाइन लगाएंगे और जमा करके नीचे लिखेंगे। तो 9 प्लस 3 किसके इक्वल होगा? 12 होगा, तो 2 लिखेंगे, और 1 को हम यहाँ पे टेंथ प्लेस पे कैरी ले जाएंगे। 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आ जाएगा एज इट इज, और अब 9 प्लस 3 12 आ जाएगा, तो 2 लिखेंगे और 1 को कैरी ले जाएंगे। 1 प्लस 6 7, और 7 में जब 5 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 1 यहाँ पे थाउजेंड प्लेस पे कैरी ले जाएंगे। तो थाउजेंड प्लेस के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 एज इट इज़ आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं एडिशन का साइन लिखना भूल गई थी। आपने साइन ज़रूर मेंशन करना है जो भी ऑपरेशन हो रहा हो उसका। तो इसका मतलब जब हमने 63.03 में जमा किया 59.29, तो किसके इक्वल आया? 122.32 के इक्वल आया। एक और मिसाल देखते हैं। यह है 89.61 प्लस 26.33।
इनको प्लस करना है। तो सबसे पहले प्लेसेस लिखते हैं, 9 है वंस प्लेस पे और 8 है टेंथ प्लेस पे। इसी तरह पॉइंट के बाद 6 है टेंथ प्लेस पे, टेंथ, और 1 है हंड्रेड प्लेस पे। तो स्मॉल टी का मतलब टेंथ और स्मॉल एच का मतलब हंड्रेड। इसी तरह इसको देखें तो यहाँ पे 6 है वंस प्लेस पे और 2 है टेंथ प्लेस पे। पॉइंट के बाद 3 है टेंथ प्लेस पे और ये वाला 3 है हंड्रेड प्लेस पे। अब इनको जब हमने जमा करना है तो सबसे पहले एडिशन से पहले वाला नंबर लिखते हैं जो कि है 89.61 और इसके साथ हमने जमा करना है 26.33 को। वन यहाँ पे 9 है वंस प्लेस पे, 8 है टेंथ प्लेस पे, 6 है टेंथ प्लेस पे और 1 है हंड्रेड प्लेस पे। अब हम दूसरे नंबर को लिखेंगे हंड्रेड प्लेस वाले के नीचे हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट जो कि है 3 और टेंथ प्लेस वाले के नीचे टेंथ प्लेस वाला डिजिट, पॉइंट के नीचे पॉइंट और वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस और टेंथ प्लेस के नीचे टेंथ प्लेस वाला डिजिट। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि पॉइंट को पॉइंट के साथ अलाइन करना है और हर डिजिट को उसके प्लेसेस के मुताबिक सही जगह पे लिखना है। अब 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा और पॉइंट ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 9 प्लस 6 15 आ जाएगा, तो 5 लिखेंगे और 1 को कैरी ले जाएंगे। तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 1 1 11 आ जाएगा। तो इनको जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 115.94। एक और मिसाल देखते हैं, 62.978 को हमने जमा करना है 3.82 में। तो पहले प्लेसेस लिखते हैं, वंस प्लेस, टेंथ प्लेस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंथ, और ये है वंस प्लेस पे, ये टेंथ प्लेस पे और ये हंड्रेड प्लेस पे। तो अब इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद है 3 और यहाँ पे है 2। तो सबसे पहले हमें डिजिट्स की तादाद बराबर करनी होगी, यानी हमें यहाँ पे भी डिजिट्स की तादाद 3 करनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट साइड पे एक ज़ीरो बढ़ाएंगे क्योंकि इससे डेसिमल नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ज़ीरो कौन से प्लेस पे है, थाउजेंथ प्लेस पे है। तो अब इन दोनों में डिजिट्स की तादाद बराबर हो गई है, तो अब हम इनको ऐड करते हैं, 62.978, इसको हमने प्लस करना है 3.820 में। तो यहाँ अगर हम प्लेसेस देखें तो ये है वंस प्लेस पे, 6 है टेंथ प्लेस पे, 9 है टेंथ प्लेस पे, ये हंड्रेड पे और ये थाउजेंथ पे। तो सेम प्लेसेस के नीचे सेम प्लेसेस वाले नंबर्स को लिखेंगे, थाउजेंथ प्लेस के नीचे 0, यहाँ पे 2 और 8, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और वंस प्लेस के नीचे 3 आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगा देते हैं, 8 प्लस 0 8 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 आ जाएगा और 9 प्लस 8 17 आ जाएगा। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे और 1 को इससे नेक्स्ट वाली जगह पे कैरी ले जाएंगे, यानी यहाँ कैरी ले जाएंगे। तो ये वंस प्लेस पे आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 3 पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा और इस 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया 66.798, ये हमारा आंसर है। सॉरी, इसको 798 नहीं पढ़ेंगे, इसको 798 पढ़ना है।
एक और मिसाल देखते हैं. ये एक होल नंबर है 51. इसमें हमने जमा करना है 38.75 को. तो इनके प्लेसेस लिखते हैं. सबसे पहले 1 है वंस प्लेस पे और 5 है टेंथ प्लेस पे. इसी तरह 8 है वंस प्लेस पे, 3 है टेंथ प्लेस पे, 7 है टेंथ प्लेस पे और 5 है हंड्रेथ प्लेस पे. अब इन दोनों को देखें तो पॉइंट के बाद यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, जबकि ये एक होल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की तादाद सेम करनी होगी. तो वो किस तरह से करेंगे, 51 एक होल नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 51.00. पॉइंट के बाद सिर्फ ज़ीरो आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने मर्ज़ी ज़ीरो बढ़ा सकते हैं. हमें यहाँ पे टू डिजिट्स तक चाहिए, इसलिए मैंने टू ज़ीरोस बढ़ाए हैं. प्लस 38.75. अब इनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद बराबर हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे. 51.00 में जमा करेंगे 38.75, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे हंड्रेड प्लेस की जगह पे, और 7 आएगा टेंथ प्लेस पे, पॉइंट के साथ पॉइंट, और 8 आएगा वंस प्लेस पे, और 3 आएगा टेंथ प्लेस पे. अब इन दोनों को हमने जमा करना है. 5 प्लस 0, 5 आ जाएगा, और 7 प्लस 0, 7 आ जाएगा, पॉइंट अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा. 8 प्लस 1, 9, और 5 प्लस 3, 8 आ जाएगा. तो हमारा आंसर आया 89.75. 51 में जब हमने प्लस किया 38.75, तो हमारा आंसर आया 89.75. तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं.